नमस्कार। जसवीर कृष्ण चैनल पे आप सब बहनों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक और दो कलर के डिज़ाइन लेके आए हैं। ये दो कलर में बनता है, आप तीन में, चार में, पांच में बना सकते हैं बची ऊल का। लेकिन अगर आपने ग्रेस अच्छी लुक वाला बनाना है तो ऐसा आप बना सकते हैं, क्योंकि ये बनकर बहुत सुंदर लगता है। बॉर्डर भी आप इसी का बना सकते हैं। जैसे आप कार्डिगन बनाएंगे, या जैकेट बनाएंगे, या बेबी जैकेट बनाएंगे, या बेबी फ्रॉक बनाएंगे, या शाल बनाएंगे, या मफलर बनाएंगे, तो आपने क्या करना है, आपने ये जो बॉर्डर है ना, इसको आप तीन पीस हो, तीन बार बुन लीजिए लाइने, तीन बार तो बॉर्डर आ जाएगा। और फिर साइडों में भी आप चला सकते हैं इस डिजाइन को, बहुत बनकर बहुत सुंदर लगता है। इसको शाल में डालिए, जैकेट में डालिए, मफलर में डालिए, किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। और बनाना बहुत आसान है, इसको बिगिनर भी बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, डिजाइन को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। रॉन्ग साइड आपको दिखा देते हैं। जी देखिए, रॉन्ग साइड भी सुंदर दिखती है। अगर आप मफलर में, शाल में डालेंगे तो बहुत सुंदर लुक आने वाली है, मफलर में तो खास करके। अगर आपके पास बहुत ब्रीक वूल पड़ी है तो आप उस वूल को ना डबल करके भी बना सकते हैं, डबल डबल से। और इसमें फ्रेंड्स, आप थोड़ी सी मोटी सिलाई लगाएंगे तो हम इसमें 9 नंबर की सिलाई लगा रहे हैं, 9 नंबर से बुनना स्टार्ट करेंगे। आप इसको 8 नंबर पे भी बुन सकते हैं। अगर आपने शाल बनाना है तो 8 नंबर पे बुनिए, क्योंकि ये बनकर लुक बहुत अच्छी आएगी। अगर आपने एक ही कलर से बनाना है तो वो भी बन जाएगा। हमने 2 कलर दिया है इसको अच्छा दिखाने के लिए। जहाँ कई बार 2 वूल बची होती है 2 कलर की, तो उसमें भी आप इसको बना सकते हैं। तो इसको कैसे बनाना है, सिंपल फंदे डालने हैं, जोड़ा जोड़ा दो दो फंदे के हिसाब से ही फंदे डाल देने हैं और ये बन जाएगा। आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से दो दो जोड़ा, एक फंदा कम है बढ़ा लीजिए, एक फंदा ज्यादा है तो कम कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, इसके लिए हम सिंपल फंदे डालेंगे। थोड़े फंदों में डाल के ही हम बता देंगे, क्योंकि डिजाइन बहुत आसान है और 2 सिलाई का ही डिजाइन है। क्योंकि ये जो 2 कलर के डिजाइन होते हैं ना, 2-2 सिलाई के होते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। हर बार आपने वही सिलाई 2 रिपीट करनी है। तो हमने जोड़ा जोड़ा फंदे डालने हैं, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। तो 12 फंदे हमने डाल लिए हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने जैसे हम बॉर्डर कोई बुन लेंगे, चाहे आप इसी का बॉर्डर बनाना है तो इसका भी बना सकते हैं। तो आपने एक सीधा फंदा बुनना है, ठीक है, सिंपल चेन के लिए। अब आपने जो 2 फंदे हैं ना, 2-2 फंदों का डिजाइन है, 2-2 फंदों पे, तो 2 फंदे आपने ऐसे ना सीधे बुनने हैं, है ना, ये 2 फंदों का। अब जैसे ही आप सिंपल फंदा एक चेन के लिए उतारेंगे, उसके बाद आप थ्रेड आगे करेंगे, आगे करके जाली डालेंगे, है ना। तो एक फंदा बुनेंगे सिंपल, सीधा बुन लिया, उसके बाद फिर जाली डालेंगे, तो फिर इन 2 फंदों में से फंदा निकालेंगे, तो हमारे हो गए 1 फंदे में से 4 फंदे। फिर थ्रेड आगे करेंगे, जाली डालेंगे और 2 फंदों का 1 करेंगे। जब आप स्टार्टिंग में बुनते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, उसके बाद फंदे अपने आप लूज होते हैं, तो फिर आगे थ्रेड किया और बना लिया। लूज होते हैं तो जल्दी बना जाता है, फर्स्ट सिलाई थोड़ी सी मुश्किल होती है। फिर आपने थ्रेड आगे करना है और 2 फंदों का 1 करना है। एक बार बुना, 2 फंदे हो गए, जाली डाली, एक बार निकाला, फिर जाली डाली, 3 हो गए, और एक बार और बुना तो 4 फंदे हो गए, ठीक है। फिर थ्रेड आगे करना है, 2 फंदों का 1 करना है, तो हम 2 फंदों का 1 करेंगे, कर लिया, जाली डालेंगे, फिर 2 फंदों का 1 कर, उन्हीं 2 फंदों का छोड़ना नहीं है, 4 फंदे हो गए। फिर हम इसके बाद थ्रेड आगे करेंगे और आगे के जो 2 फंदे हैं, बचे हैं 3, लेकिन 2 फंदों को ही हम बुनेंगे। फिर वैसे जाली डाल के एक बार फंदा बुना, फिर जाली डाल के उसी में से दूसरी बार फंदा बुन लिया। लास्ट वाला फंदा हम सिंपल ही सीधा बुन लेंगे, एक फंदा आगे बुना था, एक पीछे। अब इसकी रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड पे आपने थोड़ा सा रज ध्यान देना है। उल्टा फंदा ऐसे ही ले लिया। अब इन 2 फंदों का हमने 1 करना है, 4 फंदे हैं ना, 2 का 1 किया, फिर 2 का 1 किया,
तो हमारे फंदे बराबर आके दो का दो ही थे ना, तो चार बनाए थे। जैसे ये चार फंदे दिख रहे हैं ना, एक जाली वाला और तीन जे, इनको दो का एक करना है बारी बारी से। दो का एक किया, फिर दो का एक, दो का एक किया, फिर दो का एक, फिर दो का एक किया, फिर दो का एक। तो चार फंदों का हम आराम से बारी बारी से लाइन वाइज दो का एक, दो का एक, और लास्ट वाला फंदा हमने सिंपल बोल लेना। ठीक है, ये देखिए कितना सुंदर बन के आया है डिजाइन, है ना। अब हम दूसरा कलर लगाएंगे, पर्पल वाला जो हमने इसमें लगाया है, तो हम उस कलर को लगाएंगे। ये देखिए, हाँ, एक फंदा जो हमारा चेन वाला है उसको हम सिंपल ही बुनेंगे। बुन लिया चेन वाला फंदा। अब फिर हम वही रिपीट करेंगे, दो स्लाइस थ्रेड आके किया। अब देखिए ये दिखने लग गया है ना, दो दो फंदे, दो दो जोड़ा। तो इस पहले जोड़े को पहले हमने देखो जाली डाली है, सीधा फंदा निकाला, सीधा फंदा निकाला हमने, एक बुना और आगे थ्रेड किया और जाली डाल ली और दो का एक कर दिया, फिर थ्रेड आगे किया और दो का एक कर दिया। बस डिजाइन वही है जो हमने बताया। ये देखिए दो फंदे दिख रहे हैं, दो का एक किया जाली डाल के, थ्रेड आके किया और फिर दो का एक किया। पूरी सिलाई हमने ऐसे ही जोड़ा जोड़ा बनाते जाना है, दो के चार बनाते जाना है, दो के चार, दो के चार, फिर आगे किया जाली डाली, दो का एक किया जाली डाली, दो का एक। लेकिन आपने लाइन से लाइन देखते जाना है कि वही लाइन पे वो फंदे आने चाहिए। जैसे दो है ना, तो दो पे ही आना चाहिए, ये नहीं कि एक इधर का फंदा हो। ये ध्यान रखना है आपने अपने प्रोजेक्ट में, बस थोड़ा सा और बनाते हुए जाना है, और लास्ट वाला फंदा सिंपल बनना है। ये देखिए अब आते हैं इसकी रॉन्ग साइड पे। रॉन्ग साइड पे फिर वही करना है हमने, उल्टा फंदा सिंपल उतारा, आगे हमारे चार फंदे हैं जे जाली वाला डाल के ना, तो चार, तो हमने बारी बारी से दो दो फंदे लेने हैं ध्यान से, और दो का एक, फिर दो का एक, दो का एक, फिर दो का एक, दो का एक, और पूरी सिलाई हमने ऐसे ही बनानी है। ये जो फंदे हैं ना, इसको ध्यान से आपने देख लेना है, दो 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 का जब एक करना है ऐसे। फिर दो का एक और लास्ट वाला सिंपल। तो ये देखिए चार सिलाई में दो कलर में डिजाइन बनकर रेडी हो गया है। अब फिर हम व्हाइट कलर लगाएंगे, तो व्हाइट कलर से भी सेम वैसे ही बुनेंगे। सिंपल एक फंदा लिया, फिर जाली डाली और दो का एक किया, और फिर जाली डाली और दो का एक किया। तो ऐसे हमने पूरी सिलाई बनानी है, जो बनकर हमारा डिजाइन बहुत सुंदर दिखेगा, ऐसा दिखेगा। आपको दिखाते हैं, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। जब आप बनाएंगे ना, तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। जब बिगनर भी बनाएंगे ना, जिनको बिल्कुल नहीं आता है, तो आराम से बुनते जाएंगे, तो वो भी बहुत खुश होंगे कि हमने बना लिया है। तो इसको आप डालिए मफलर में, आपके जैकेट में डालिए, बड़ा सुंदर लगता है, लाइट सा डिजाइन है, बनकर बहुत सुंदर लगता है। हमने एक बनाया हुआ है इसका मफलर बनाया है हमने, बहुत सुंदर लगता है। तो आप बनाकर इसको देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मिलते हैं एक सुंदर से अच्छे से नए डिजाइन के साथ। थैंक यू।